नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट कॉपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 में चैप्टर राज्य एवं सहकारिता स्टेट एंड कॉपरेशन में हम आज टॉपिक राज्य सहकारिता के विभिन्न स्वरूप वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट हेल्प्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की समितियां, औद्योगिक समितियां के बारे में हमने चर्चा की कि ग्रामीण विकास में इनकी क्या भूमिका रही है। आज हम इसी क्रम में जो ग्रामीण विकास की सहकारिता के अंतर्गत जो राज्यों सहकारिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सहकारिता का स्वरूप एक महत्वपूर्ण स्वरूप के रूप में माना जाता है, क्योंकि राज्य और सहकारिता मिलके एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सहकारिता के इतिहास में 1904 के अंतर्गत सरकार ने सहकारी समितियों की स्थापना की, जिसमें संबंधित अधिनियम पारित भी किए। अब हम इसकी बात करें इसकी भूमिका के अंतर्गत हम बात करें तो भारत में सहकारी आंदोलन सरकारी नीति के रूप में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन शोषण के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। शोषित वर्ग में आत्मविश्वास का नितांत अभाव था और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रारंभ वर्षों में इस आंदोलन में सरकार का विशेष योगदान नहीं रहा है, क्योंकि इसकी प्रगति बहुत ही धीमी रही है। इसके बाद ये अनुभव किया गया कि राज्य सहायता के बिना आंदोलन विकास नहीं कर पाएगा या आंदोलन का विकास नहीं हो पाएगा। अतः सरकार ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन और संरक्षण भी दिया। तो सहकारिता को प्रारंभ करने का श्रेय सरकार को है। सरकार की सहायता के बिना इसकी सफलता एक संदेशप्रद है। तो इसे हम राज्य सहकारिता के इतिहास के बारे में हम चर्चा करें तो 1904 में सरकार ने सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम पारित करके सहकारी आंदोलन को वित्तीय व नैतिक समर्थन के रूप में भी प्रदान किया गया। राज्य की सहायता के रूप में जो पहला कदम यह भी उठाया गया कि केंद्र सरकार ने स्थानीय सरकारों से ग्रामीण समितियों की सहायता से अधिकतम 2000 रुपये अग्रिम देने की भी अनुमति प्रदान की गई। इस अग्रिम राशि से सहकारी समितियों को पर्याप्त भी लाभ हुआ। फिर 1919 में केंद्रीय सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास की जिम्मेदारी राज्य को सौंप दी गई। तो इस प्रकार राज्य और सहकारिता के रूप में 1945 और 46 में सरकार ने इसे प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। इस समय तक आंदोलन का विकास निजी पूंजी से संभव हो पाया। तो 1946 में भी रिजर्व बैंक ने टिप्पणी के रूप में भी ये कहा कि आंदोलन छोटे आकार से प्रारंभ न करके तेज़ गति से आंदोलन के बड़े रूप या बड़े आकार के रूप में इनको किया जाना चाहिए। फिर बाद में 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के रूप में गठित किया गया। फिर 1964 में मृदा समिति का भी गठन किया गया, जिसमें हम उपयुक्त समायोजन की बात करें तो विभिन्न प्रकार की सिफारिशों को स्वीकृत करके राज्य सहायता और सरकारी नियंत्रण का महत्व पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार इसके राज्य सहायता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में हम चर्चा करें तो राज्य सहकारी आंदोलन के विकास में राज्य के विभिन्न स्वरूपों से सहायता प्राप्त हो सकती थी, जिसमें पहला है वैधानिक व्यवस्था। इसके स्वरूप में वैधानिक व्यवस्था लीगल जो प्रोविज़न है वो सहकारी समितियों के तहत क्रियान्वित या एक महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया।
वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आंदोलन के व्यवस्थित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार इसे कानूनी रूप प्रदान करे। इसके लिए सहकारी कानून बनाना आवश्यक है। जर्मनी और इंग्लैंड ने भी सहकारी आंदोलन के इतिहास को देखने से पहले यह ज्ञात हुआ कि देशों द्वारा सहकारी विधान बनाने के बाद आंदोलन का विकास भी किया गया। सहकारी कानून के बाद सहकारी समिति की स्थापना वैधानिक व्यवस्थानुसार हो सकेगी। सरकारी विधान के समितियों के कार्यों, वित्तीय व्यवस्था और पंजीयन व अधिकार, दायित्व समापन, प्रबंध एवं अन्य आवश्यक बातों पर विशिष्ट प्रावधान भी इसमें क्रियान्वित हुए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं पनप सके। और जैसा कि हमारे देश में सर्वप्रथम 1904 के अंतर्गत सहकारी अधिनियम भी बनाया गया। यह अधिनियम अपने देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियां इसमें गठित होने लगी। उसके बाद में सहकारिता का प्रभाव क्षेत्र भी फैलने लगा और 1912 में एक संशोधन सहकारी समिति का भी गठन किया गया। उसके बाद में साख समितियों पर इसको रखा गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम भी सहकारिता समितियों में अनेक प्रावधान, अनेक लीगल रूप सामने आए। तो दूसरा है अन्य अधिनियमों से संरक्षण। इसकी व्यवस्था में अन्य अधिनियमों से संरक्षण, अन्य अधिनियमों से संरक्षण के रूप में भी हम बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑर्डर अगेंस्ट अदर एक्ट्स हैं कि कुछ अधिनियम जैसे ऋण मुक्ति अधिनियम, डेप्ट रिलीफ एक्ट है और साहूकार मनी लेंडर अधिनियम सहकारिता के विकास पर ये रोक लगाते हैं। अतः सहकारिता को इस प्रकार से रोक से संरक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे ये अधिनियम सरकार के द्वारा निर्मित होते हैं। अतः वह चाहे तो सहकारी समितियों को इनसे मुक्त भी रख सकती है। तो इस प्रकार से अन्य अधिनियमों को संरक्षण के रूप में भी राज्य सहकारिता के स्वरूपों में ये रूप माना जाता है। तीसरा है समितियों की स्थापना। समितियों की स्थापना का रूप में भी है फॉर्मेशन ऑफ द कमिटीज़ कि सहकारी आंदोलन के विकास के लिए आने वाली अड़चनों का अध्ययन करके इन्हें दूर करने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार से आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की समितियां स्थापित की गई। इस समितियों की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने सहकारी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए, क्योंकि हमारे देश में समय समय पर अनेक अध्ययन दल समितियां स्थापित की गई और इन समितियों द्वारा बताई गई सिफारिशों पर भी अमल किया गया। 1915 में मैकलेनन समिति और 1946 में सहकारी योजना समिति और 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति और 1964 में मृदा समिति में अनेक अध्ययन दलों पर आधार पर भी इनकी नियुक्ति की गई। तो समितियों की स्थापना भी इसके स्वरूपों में मानी जाती है। अगला है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता में वित्तीय सहायता जिसके अंतिम स्वरूप की हम बात करें तो राज्य सरकार अन्य सहकारी जो विभाग हैं उसके संचालन और व्यय की पूर्ति के अलावा जो समितियां हैं उनको ऋण अनुदान और अंश पूंजी के में हिस्सा लेना और गारंटी देना आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की करती है। सहकारी आंदोलन आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का आंदोलन है। इससे स्वयं के साधन बहुत अल्प हैं, अतः है सरकारी सहायता भी क्या है इसमें अनिवार्य। राज्य सरकारें सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता निम्न रूप में भी प्रदान करती है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे राज्य की साझेदारी के रूप में भी फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट्स पार्टनरशिप जो ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के आधार पर बड़े आकार के रूप में साख समितियों के रूप में स्थापना के सुझाव भी
देते हुए कहा है कि सरकार की समितियों के अंश पूंजी में भाग लेना चाहिए, जिससे मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य की हिस्सेदारी के सिद्धांत का विस्तार किया गया और शीर्ष और केंद्रीय सहकारी समिति के बैंकों में हिस्सेदारी को स्वीकार भी किया गया। राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के अंश में खरीदने के लिए राष्ट्रीय कृषि कोष से धन प्राप्त भी करवाया गया। दूसरी, वित्तीय सहायता में समितियों को ऋण देना, सरकारी अनुदान और सहायता समितियों को विभिन्न समितियों को ऋण देना भी इसमें शामिल किया गया है। सरकारी अनुदान व सहायता सरकारी अनुदान व सहायता सरकारी अनुदान व सहायता को भी इसमें शामिल किया गया। सरकारी अनुदान सहायता के अंतर्गत ग्रांट एड बाय द गवर्नमेंट के तहत सरकार को सहकारी समितियों को अनुदान व सहायता शेषोकाल से ही प्रदान करनी होती है। प्रारंभ काल में जब समितियां स्थापित होती है तो इनका व्यवसाय सीमित होने से आय बहुत अल्प होती है, तो जब संचालक व्यय अधिक होते हैं तो ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे सकती है। इस प्रकार से अगला है, सरकार द्वारा गारंटी भी इसमें अहम भूमिका का रोल निभाती हैं, और भी है जोखिमों या जोखिम कोषों का अनुदान या कर संबंधी रियायतें भी इसमें शामिल किया गया है। अगले जो पॉइंट है अपना, पॉइंट संख्या 5 में, तो सहकारी विभाग की स्थापना व संचालन सहकारी विभाग की स्थापना और संचालन किस प्रकार से करना है, ये भी इसके स्वरूपों में सम्मिल किया गया है। इसको सहकारी व्यवस्था को एक अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यतया सरकार द्वारा सहकारी विभाग की स्थापना की गई है। जो राज्य सरकार ने अपने राज्य में सहकारी विभाग की भी स्थापना इसमें की गई। इसके अलावा प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति के लिए भी सरकार द्वारा इनका क्रियान्वित किया गया, जिसमें सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रावधान इसमें शामिल करती है। एक तकनीकी सहायता और शिक्षा व प्रशिक्षण, 6 पॉइंट है तकनीकी सहायता, शिक्षा व प्रशिक्षण भी देकर के भी इसके स्वरूपों में सहायक भूमिका का निर्वहन करती है कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से भी इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। अगला है नैतिक समर्थन भी इसके स्वरूपों में सम्मिलित है। नैतिक समर्थन की हम बात करें तो नैतिक समर्थन के अंतर्गत सहकारी आंदोलन को सरकार के द्वारा अनेक विधियों और नैतिक समर्थन के द्वारा भी राज्य और उसकी अंश पूंजी में भाग लेकर इन्हें इसके प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है, जिससे राज्य सरकार ने ऋणों के लिए गारंटी देकर नैतिक समर्थन भी इसमें किया है। अगला, सरकारी कर्मचारियों की सेवा अगला पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित एवं महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करती है कि सरकार ने सहकारी विभागों की स्थापना के लिए समितियों की सेवाएं के लिए की है। इन विभागों के अधिकारी सहकारी समितियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, जबकि पूरा व्यय सरकार उठाती है और अन्य विभाग के कक्षण और निरीक्षण का प्रेक्षण की समुचित व्यवस्था करती है। अंतिम है आर्थिक सुदृढ़ता का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप से है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में सरकार सहकारी आंदोलन को आर्थिक दृष्टि से सफल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न और हो सके, जिसे
लाल फीताशाही और अकुशलता जैसी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राज्य में सहकारी विभाग के कौन कौन से कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैधानिक कार्य, विकास संबंधी कार्यों के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।